अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ा गलत लगा होगा लेकिन उस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। बस थोड़ी सी एक बात कहूंगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन इस बात आज जो है माँ भगवती सुरेश्वरी सुकंडा महामाई का जो है प्रस्थान शास्त्री नगर में कालगिर हाल में होने जा रहा है और जगदम्बा भवानी से जो है प्रार्थना करेंगे कि आपको जो है अपना शिवानी कंपा बनाए रखे, सदा जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे आप। बोलो सुरकंडा भैया की जय हो। चंडिका मैया की। हमारा सौभाग्य हमारे मध्य में सुकंडा की जो होली का आगमन हुआ है, सभी लोग शांति बनाए रखेंगे, अपने स्थान बैठ करके भगवती का दर्शन करेंगे। सभी लोगों से मिलकर चंडिका मैया के मुखार बिंद से उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में विद्यमान करना, यह सौभाग्य की बात जो है हर किसी को नहीं मिलती, यह उन्हीं को मिल पाता है जिन पर हरि की कृपा होती है, जिन पे हरि की कृपा होती है। सर्वप्रथम व्यास पीठ को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत एवं 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करते हुए माँ सुकंडा के चरणों में अपना शीश नवाते हुए समस्त यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदत्त करता हूँ एवं व्यासपीठ में विद्यमान महाराज श्री आचार्य गौरव कृष्ण मरवाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इसी प्रकार से दीर्घ आयु होती रहे और आपके घर में यूं ही हरि गुणगान होता रहे। आज थोड़ी सी एक बात कहूँगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन इस बात पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अम्लग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं गतिं जलेन शीतलीकरणं कृत्वा उष्मैर्वायुवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मायवन्दनम् हस्ते पुष्पाणाय मन्त्र पुष्पाञ्जलिः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रदन्ताय धीमहि तन्नो दन्तश्चोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विश्वस्तवस्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभे करवेरसायपुष्पैर्विल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जलेः स्वा पूजयामि जगदी सर्वे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रक्ता गृहाणारमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि गानि जपामानि तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतम् बोले मन में परमात्मा बस जाता है, उसके मन में किसी और के बसने की जिज्ञासा नहीं रहती। तो इसलिए कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए और उस कथा में अपना ध्यान लगाइए और उस कथा में परमात्मा का स्मरण कीजिए। माँ भगवती जगदम्बा सुकंडा देठोरी जो मेरी हृदय स्वरूप, मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरा प्राण उसके चरणों में चला गया है। अब छूटेगा तो उसके चरणों में छूटना चाहिए और रहूं तो उसके चरणों में रहूं। अगर वहां भी यहाँ विद्यमान है और आपके पास श्रीमद् भागवत का यह ज्ञान आपके हृदय को विद्यमान कर रहा है तो यह तो सबसे बड़ी एक ऐसा सौभाग्य समय आपको मिल चुका है जिसे श्रवण करने के, मैं यहाँ पर बैठकर उस कथा को श्रवण करने के लिए आया हूँ। मैं भी कथा श्रवण, क्योंकि मैं भी एक नर हूँ और मैं भी कथा श्रवण करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और आप भी कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर भिक्षुक बन के जिस प्रकार एक भिखारी बनकर जो है किसी के द्वार पे खटखटाने आते हैं, उसी प्रकार से मैं व्यास जी के पास आया हूँ कि मुझे जिज्ञासा है उस परमात्मा से मिलने की। और वो मिलने का मार्ग जो है, जिस प्रकार से परमात्मा का मिलने के मार्ग एक ब्राह्मण होता है, उसी प्रकार के इस समय जो है श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है, जो यह अमृत तुल्य ज्ञान है, यह जब व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं तो आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें और परमात्मा को अपने हृदय में विद्यमान करें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ा गलत लगा होगा लेकिन उस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये त्रुटि मैंने थोड़ी सी देखी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जब महाराज श्री जब कथा कर रहे हैं उनका वह यह अमृत तुल्य गुणगान कर रहे हैं, इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। समस्त विप्र बंधुओं को, संगीत आचार्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। व्यास पीठ में विद्यमान व्यास जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है। माँ सुकंडा देवदोरी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है और आप सभी की जितनी माता तुल्य है, जितने पिता तुल्य है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोल सुकंडा मैया की, सुकंडा मैया की, सुकंडा देवदोरी की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
Oh, man.
Party, party, Shivaji. Party, party, party.